सुप्रभात। अभी हमने हिंदी पढ़ रहे हैं, कक्षा दसवीं की हिंदी। हिंदी में काव्य खंड और उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अभी हम पढ़ेंगे इनके प्रश्न उत्तर। इसके पिछले क्लासेस में हमने इनके पदों के अर्थ, उनके कठिन शब्दों के अर्थ और व्याख्या भावार्थ को देखा था। अब चलिए हम देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है कि परशुराम की क्रोध करने पर लक्ष्मण के ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए कि जब धनुष टूटा तब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का क्रोध शांत करने के लिए कौन। बच्चों सुप्रभात, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पढ़ रहे हैं हम कक्षा दसवीं में हिंदी का काव्य खंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और उसके पढ़ रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। पिछली क्लास में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पदों का वाचन किया था। वाचन करने के बाद कठिन शब्दों के अर्थ और फिर उसका भावार्थ और व्याख्या को पढ़ा था। अब हम आज इसके प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो उत्तर है कि लक्ष्मण जी ने जो तर्क दिए परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए वह निम्नलिखित है। पहला, कि श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिद्ध छुआ था, परंतु वह बहुत पुराना था और कमजोर होने के कारण हाथ लगाने से ही टूट गया। दूसरा, बचपन में ही उन लोगों ने कई छोटी छोटी सी धनुइयां देखी थी, तब वह परशुराम क्रोधित नहीं हुए। जब बचपन में थे तो उन्होंने छोटे छोटे खेलने वाले धनुष आते थे, उन धनुषों को भी तोड़ा है, तब परशुराम जी क्रोधित क्यों नहीं हुए। फिर हमें ये धनुष तो साधारण धनुष लगा और इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती। अब है प्रश्न दूसरा कि परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो श्री राम बहुत शांत और धैर्यवान है और परशुराम की क्रोध करने पर भी राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उसका दास भी होगा तो भी मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम की क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। अंत में आंखों के संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है, वह व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने को कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अब शब्दों का प्रयोग न करने को कहते हैं, परंतु वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसीलिए पुरजोर विरोध भी करते हैं। अब है प्रश्न तीसरा कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, इसमें ब्रज दुलारे नटवर नटेश कला प्रेमी कृष्ण की सुंदर रूप छवि प्रस्तुत की है। उनका रूप मनमोहक है, चावले संगीत पर पीले वस्त्र और मनमाला है पांव में पांच पाज। अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बनती है और भाषा कोमल मधुर संगीतमय सवैया छंद का माधुर्य मन को प्रभावित करता है। अब प्रश्न है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर उसको बताइए। तो बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही, सहस बाहु छेद निहारा, परुष विलोकी
महीप कुमारा मातु पिता ही जन सोच बस करी महीष किशोर गर्भ दंड के अर्भक दलन परसु मोर अति वो। तो इसका उत्तर है कि परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे तो बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल में नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार प्रजाओं की ताकत से धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त कर किया है और ब्राह्मणों को दान भी दिया है। लक्ष्मण जी अपना वर्षा दिखाकर कहते हैं कि इस पर से उनसे उन्होंने सहस्त्र बाहु मतलब हजारों की बाहों को काट डाला है। सहस्त्र मतलब हजारों, इसलिए वह अपने माता पिता उनका फरसा गर्भ में पड़ रहे शिशुओं का भी नाश कर देता है। फिर प्रश्न पांचवा की लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की जो विशेषताएं बताई हैं वह इस प्रकार है कि वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते बल्कि दूसरे लोग उनकी वीरता का बखान करते हैं या वर्णन करते हैं। वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहस पूर्वक देते हैं। वीर योद्धा शांत विनम्र क्षमाशील धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। वे खुद पर अभिमान नहीं करते और वह सदा दूसरों का आदर भी करते हैं और दूसरों को आदर देते हैं। प्रश्न छठवा है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार तो उत्तर है इसका कि साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बहुत ही अच्छा साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुशी मिलती है और विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। वह व्यक्ति को कार्य की ओर सुगम बनाती है और आसान बनाती है। फिर प्रश्न की भाव स्पष्ट कीजिए। विहसि लखन बोले मृदु वाणी अहो मुनीश महाभट मानी पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू सरत उड़ावत की पहाड़ू। तो उत्तर है इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम जी के स्वभाव पर व्यंग करते हुए कहते हैं। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस हर्षी को दिखाकर क्या डरा रहे हो, भयभीत कर रहे हो, मानो आप भूख मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। इहां कुमार बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाने, देखी कुठारू सरासर पाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया और वे कहते हैं कि हम कोहरे के कच्चे फल नहीं हैं, जो तर्जनी उंगली दिखाने से भी मुरझा जाए। यानी वे कमजोर नहीं हैं, जो धमकी से भयभीत हो जाए। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं। स्वयं उन्हें स्वयं पर विश्वास है। फिर है गाधी सुना कह हृदय हसी उन्हें हरी हरे पूछ अनमय खान न उपमय अजह न भूज अभूज। उत्तर है इसका इन पंक्ति में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने समय क्षत्रियों को युद्ध में हराया है तो इन्हें हरा भी हरा नजर आ रहा है। राम लक्ष्मण को यह साधारण योद्धा या छत्री मान रहे हैं। परशुराम इन्हें गन्ने की तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं।
पर असल में तो ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने वश में कर लिया है। फिर है कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखी। तो पहला है यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखे रामचरित मानस के बालकांड से ली गई है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसमें दोहा छंद चौपाई का प्रयोग किया गया है और भाषा में लयबद्धता है। प्रचलित मुहावरों में लोकोक्तियों का और मुहावरों का काव्य के रूप में सजीव बनाया है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग किया है, कहीं कहीं पर शांत रस का भी प्रयोग किया गया। अनुप्रास उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा पुनरुक्ति अलंकार का भी सुनियोजित दर्जे प्रयोग हुआ है। ग्रंथों का भी हमेशा प्रयोग किया है और प्रसंग अनुक्त भाषा का भी प्रयोग किया गया है। फिर प्रश्न है कि इस पूरे प्रसंग में व्यय का मूठा सौंदर्य है उदाहरण के साथ उपस्थित कीजिए। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए बहुधनुवी तोरी ललिताई सबहुन असिधि की गोसाई। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में इस जैसी कई धनुइयां तोड़ी है, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। फिर माँ को बेतनी जगी सोच बस सरसी मही मही से पूछो गर्भन के अर्भक सरन पर बोल रही वो। यहाँ पर परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के नव बालक महीष किशोर मतलब राजा के बालक, तो अपने माता पिता के बारे में सोच। यह जो मेरा परसा बहुत भयानक है, वह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। वह लक्ष्मण को अपने परसे से डरा रहे थे। अपने वो तुम आप ही करनी बार अनेक बार भांति बहु करनी। परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बड़ाई को लेकर लक्ष्मण अपने मुंह अपने मियां मिट्ठू बनाना कहते हैं। लखन उत्सर आहुति सर नग बर कोशु प्रसान बढ़त देख जन सब वचन बोले रघुकुल। यहाँ पर उक्त पद में उपमा अलंकार है और लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान और वाचक शब्द सरिस के कारण आहुति सरस ब्रत कोशु प्रशानों में उपमा अलंकार है। जन सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं और वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार रघुकुल थाली में रूपक अलंकार है, क्योंकि श्री राम के गुणों की समानता यहाँ पर सूर्य से की गई। बच्चों आप इन सबको अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे।